तो आज एक बहुत ही उल्लास और महत्वपूर्ण दिन है जहाँ प्रोफेसर प्रबंध जो मेरे लिए तो गुरु ही रहे हैं वो हमारे यहाँ आए हैं। ये जो 9 लैब्स जो एकदम नए और एक डिफरेंट तरीके का एक करिकुलम यहाँ पे स्कूल में बच्चों के लिए हम यहाँ प्रेजेंट करना चाह रहे थे, तो इस लैब में जो खासियत है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने बात की सर से और सर ने ये बताया कि आज हमें लर्निंग को कायम रखने के लिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और बच्चों के अंदर न्यू लर्निंग के लिए क्षमता क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन लैब का भी यही मकसद है। आपने देखा होगा हर स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तरह के लैब्स तो बनते ही हैं, वो तो हम भी बनाएंगे, पर ये जो लैब्स हैं ये कुछ यूनिक तरीके से हम इसको लैब्स की जगह हम इसको इमेजिन हब का नाम दे रहे हैं। ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ के लिए एक डायरेक्शन है। इसमें हमने इस तरह के कुछ सीखने के लिए नई चीजें दी हैं जो बच्चों को कई नई चीजें दिखाएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने जब सेव किया स्कूल के सारे लैब्स को देखा तो म्यूजिक डांस और थिएटर के लैब से शुरू किया हमने। वहां पे हमारा प्रयत्न ये खाली नहीं कि बच्चों को म्यूजिक और डांस और थिएटर सिखाए, लेकिन उनको हम एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहां वो समझे कि ये जो कलाएं हैं वो कलाएं कल उनको अपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि किसी भी मौके पे कोई भी इंसान कोई नई लर्निंग शायद नहीं कर पाता, लेकिन छोटे एज में हर चीज वो सीख सकता है। तो हमारी ये कोशिश यही है। और NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये भी कहती है कि बच्चों को हमें वोकेशनल स्किल्स स्कूल में सिखाना चाहिए। होलिस्टिक जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने ये सोचा कि ये वोकेशनल स्किल्स हम बच्चों को छोटे क्लासेस से ही शुरू कराएं। कोडिंग कंप्यूटर्स और DIY लैब्स एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन की 3 लैब्स हैं जहां पे हम बच्चों को शुरुआत से ही ऐसा इंस्पायर करना चाहेंगे कि वो बच्चे खुद अपनी तरफ से आगे की दुनिया में कुछ नई चीज बनाए, कुछ डिजाइन करे अपनी तरफ से दुनिया की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ अपना ही बनाए। तो आज से आगे जैसे हमारा जब ये बच्चे रियल लाइफ में जाएंगे नौकरी पर जाएंगे तो शायद दुनिया आज जैसी नहीं दिखेगी, कुछ डिफरेंट दिखेगी। तो उसके हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो इस दुनिया को फेस कर सके और कोडिंग और डिजाइन थिंकिंग और जो नई हमारी जो भी अटेम्प्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AR VR जो टेक्नोलॉजी है और मशीन लर्निंग एंड स्पीच रिकग्निशन इस तरह की सारी लर्निंग यहाँ से स्कूल से हम उनको प्रोवाइड करें। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी एक फील्ड है जो हम स्कूल में सीखते जरूर है उसके बारे में, लेकिन उसको महसूस करने के लिए एक एक्सपीरियंशियल लैब का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ बच्चों को ये मौका हम देंगे कि वो बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें और वो एक्चुअली जब सेलेस्टियल वंडर्स जो डिफरेंट तरीके के दिखते हैं उसको इसी टेलीस्कोप से स्कूल में, तो हमने ना ही सिर्फ ये एस्ट्रोनॉमी लैब बनाया पर इसके साथ का जो प्रोग्राम होगा उसमें प्रॉपर एक स्पेस का प्रोग्राम होगा जहाँ पे कैंपिंग होगी, नाइट वॉच होगा और सब तरीके की चीजें सिखाई जाएगी। उसके बाद आपने देखा आर्ट और जो विजुअल आर्ट है इसमें हम कला की बाकी चीजें तो सिखाते ही हैं, कलरिंग पेंटिंग एंड स्केचिंग, पर उससे आगे जाके अब हमने पॉटरी का भी एक लैब बनाया जहाँ पे बच्चे अपने आप से क्रिएट कर सके, पॉट्स क्रिएट कर सके, क्ले से वो अपने मास्क भी बनाए और बहुत सारी चीजें। और सबसे बढ़िया एक चीज जो देखा कि वीविंग जो आज के डेट में कई बार देखते हैं कि सब हम भूलते चले जा रहे हैं। पुराने टाइम पे हमारी मम्मी या हमारे दादी बुनती थी कुछ चीजें जो स्वेटर वगैरह, और आज के डेट में हम सब रेडीमेड पे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस चीज की कला को पहले समझे तो उससे हमें सीखने को बहुत मिलेगा। और प्रोफेसर पंत ने मुझे एक बहुत ही स्पेशल चीज बताई कि
ये जो वीविंग है ये ही तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की शुरुआत है. तो मेरे ख्याल से आई विल लीव इट टू सर टू एक्सप्लेन टू अस कि ये कैसे हुआ, ये कैसी जादू है. करिकुलम चलेगा, हम पूरे साल के करिकुलम को चार भाग में डिवाइड करके वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके सिखाते हैं. उसमें सब बच्चों को ये सारे करिकुलम और ये सारे लैब्स का एक्सपीरियंस हर लेवल पे मिलेगा. तो छोटे से तो हमारा इसीलिए हमारा प्रोग्राम, आपने देखा भी होगा हमारे कुछ सीनियर टीचर्स हैं जो इस कला को अच्छी तरह समझते हैं, वो हमारे टीचर्स को ट्रेन भी करेंगे ताकि इसको पूरी तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकें. थैंक यू. तो इस तरीके से जो ये हब तैयार हुआ है तो इससे बच्चों को अपना कैरियर चुनने में काफी मदद मिलेगी क्योंकि अब ऐसा है कि एक टाइम होता था कि पहले एक सब्जेक्ट होता था जिसको कहते थे SUPW, वैसे तो इसको कहते थे सम यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, पर कई स्कूलों में ये पीरियड बन के रह गया और कई बच्चे इसको मजाक में कहते थे सम यूजफुल पीरियड्स वेस्टेड. तो हम उसको डिस्प्रूव करना चाहते हैं और हम इसको एक प्रॉपर पीरियड ऑफ वीविंग, पॉटरी, हर एक जो कला हम सिखाएंगे हम इसको पीरियड में ही सिखाएंगे किसी चीज को करके, क्योंकि कोई पढ़ा सकता है, मुझे बता सकता है, मैं सुन सकती हूँ, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करती है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करने में भी वो मजा नहीं आता जो बच्चे सीखे. जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा अगर एक बार दो बार गलतियां करेगा, लैब के अंदर काम करेगा, गलती करेगा तो ही वो सीखेगा. तो वही हमारा मकसद है लैब बनाने का और बच्चों को इसमें जाने के लिए सुविधा बनाए और लॉन्च किए. मैम ये क्या सब्जेक्ट के तौर पे एड ऑन हो रहा है या फिर स्टूडेंट को एक चॉइस मिलेगी कि आप दो चीजें सीख सकते हैं? ये सब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो हमारा जो भी करिकुलम है ग्रेड 1 से ग्रेड 8 है वो हम ये हमारे करिकुलम में हमने इस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि बच्चों को हर एक चीज सीखनी है. जैसे बच्चा जब पैदा होता है छोटा और ग्रो करता है तो उस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि हम सेलेक्टिव कोई चीज हम उसको दे दें, उसको सब कुछ दिखाएंगे. उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब 9th में चला जाएगा, CBSE एग्जाम्स वगैरह देगा, उस टाइम पे हम उसको उस स्ट्रक्चर्ड चॉइसेस में भेज देंगे. लेकिन तब तक 8th तक बच्चों को सारे ही सीखने होंगे. नई इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत बहुत बधाई.